बिहार सरकार ने कानून में अपने संशोधन करके और आनंद मोहन जी को जो है रिहाई होती है, उस कानून का संशोधन होता है। आनंद मोहन के साथ 27 और लोग हैं जिनकी रिहाई होती है, और इसके बाद बिहार में राजनीति में हाई तोबा जो है मचना शुरू हो गया। कई लोगों का बयान हमने सुना और कई लोग अपने अपने ढंग से बातों को रख रहे हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आज आपका दलित प्रेम जग गया, कल आपका फरवरी में आपके नेता बिहार में सुशील मोदी आनंद मोहन की रिहाई के लिए जो है सरकार को घेर रही थी, आपके गिरिराज सिंह भी उस दिन आनंद मोहन के आप साथ खड़े थे, और 2024 का चुनाव अभी सर पर है तो रंग भी आप बदलना शुरू किया। अब आपको जी कृष्णैया साहब का दर्द हो गया। अरे आप बताओ ना, मर्डर तो 5 दिसंबर 1994 को हुआ है, कृष्णैया साहब के परिवार से कभी मिलने गया था क्या कोई एक आदमी बीजेपी का नेता, बताओ? और उसके लिए आपने क्या किया? आपका सरकार है, भाजपा का सरकार है उत्तर प्रदेश में, दलितों के साथ क्या हो रहा है, किसी से छुपा हुआ है? आप इतना बताइए कि भारत में आपके कई राज्य में सरकार है, कितने दलित को आपने मुख्यमंत्री बनाया? वाह, तो मन न रंगाए जोगी रंगा गेले कपड़ा, डरिया बना के जोगी बन गेले बकरा। अवसर का जो है फायदा उठाने के लिए अगर किसी को सीखना है तो वो बीजेपी से सीखे। मैं इस बात को समझता हूं कि 5 दिसंबर 1994 को जब जी कृष्णैया साहब की भीड़ का जो आवेश था, वो जी कृष्णैया साहब उस आवेश में शिकार हो गए, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उस वक्त जी कृष्णैया साहब की पत्नी और उनके बच्चे पर एक पहाड़ का सितम टूटा। उस शब्द को बयान करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी, इसमें कहीं और तो सोक्ति नहीं है। लेकिन जी कृष्णैया साहब के साथ जो उनका ड्राइवर, उसने कोर्ट में भी इस बात को स्वीकार किया कि जी कृष्णैया साहब को जो मृत्यु होती है वो भीड़ का उपद्रव रूप, भीड़ ने उनको जो है घसीट कर